नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ड्रैगन फ्रूट्स मेरठ में। तो जैसा आप जानते हैं कि अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो जो भी लास्ट हार्वेस्टिंग होनी है वो अभी आपका फल थोड़ा कच्चा ही है, वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। और ये लगभग आपका अभी जो 45 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसमें लगभग 2 महीने से ज़्यादा के आसपास का टाइम लग जाएगा। और अभी जो कलियाँ खिल रही हैं वो इक्का दुक्का कलियाँ खिल रही हैं, वो भी आपका 2-2.5 महीने में जा करके पकेंगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं, तो सर्दियाँ शुरू होने से पहले हमें ड्रैगन फ्रूट की क्या से देखभाल करनी है और क्या क्या इसमें तैयारियाँ करनी है। तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि हमें इसकी जो सर्दियाँ जैसे शुरू हो गई है, तो इसमें क्या हम इसकी देखभाल करें। इसकी देखभाल तो यो है, इसे एक बार नलवा के शुरू में, और नलवा के जो आपने गोबर खाद या मुर्गी की बीट या कैंचों की खाद जो तैयार कर रखी, हर पौधे में वो घेर दो। तो अगर उसमें जो कैंचों की खाद है तो एक पेड़ पर 2 किलो घेर दो, और गोबर की खाद है या कैंचों की खाद है तो वो अपने हिसाब से हर पौधे में लगाते चले जाओ, और उसे फैला कर उसे मिट्टी से ढक दो। तो गोबर का खाद वही जो सड़ावा सड़ने के बाद। गोबर खाद जो सड़ा हुआ तैयार कर रखा है, जो तुमने ताज़ा गोबर मत घेरियो, उससे दीमक भी लग जाएगी और बीमारी और भी लग जाएगी। अच्छा, और जो चिकन मैन्योर जो मुर्गी की बीट बताते हैं वो कैसे। मुर्गी की बीट और गोबर की खाद एक जगह मिला के घेरनी, मिक्स करके। तो जो मुर्गी की बीट है उसको भी मिक्स करके सड़ाना है, उसको भी गलाना है। मिक्स करके वो भी सड़ानी है, कम से कम 3-4 महीने की सड़ी हुई हो गोबर की खाद में मिला के, और उससे गैल की। तो जो ये बताते हैं कि मुर्गी की जो बीट बताते हैं ये गर्म होती है, तो ये सर्दियों में अच्छी होती है इसके लिए। देखो जैसा सर्दी चल रही है, मुर्गी की बीट घेरेंगे गर्म की कोई ऐसी बात नहीं है, जो हमारे शक है। अब एक तो सर्दी हो जाएगी, एक उसे पानी जल्दी जल्दी दियो जाओ, पानी की ज़्यादा वो ना करो। मान लिया पानी हमें 8 दिन में देना, तो वो पानी हम 6 दिन में दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसे पानी देते रहो, तो उसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि ये गर्म है या ये ठंड। अच्छा, जैसे बताते हैं कि जैसे अब खाद लगाया, तो जैसे खाद लगाते हैं, खाद लगाने के बाद फंगस बढ़ जाती है एकदम जैसे मिलाते वो, उसमें आप ट्राइकोडर्मा जो है वो अपना अलग तैयार कर लो, और उसमें चाहे तो आप ड्रिप के द्वारा दे दो, और चाहे गोबरी खाद में मिला कर, और चाहे वो घेर दो जो पाउडर फॉर्म में आता है। हाँ, उसको गोबर में मिक्स करके वो घेर दो, और चाहे उसे पानी में घोल के गुड़ गुड़ कर तैयार करके ड्रिप के द्वारा चाहे उसे दे दो। अच्छा, उसको बेसन और गुड़ डाल करके उसको, हाँ उसे तैयार करके वो दे दो, वो ड्रिप के द्वारा दे दो, ड्रिप के तो उससे फिर ये फंगस भी थोड़ी, फंगस कम लगेगी, लगेगी तो लेकिन कम लगेगी। हाँ, मतलब जो जड़ से जानी है वो नहीं लगेगी। हाँ, जो ऊपर की फंगस है वैसी, हाँ वो लगती रहेगी। तो उसके लिए आपका वही जो आपका ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड को जैप, हाँ या कोपरोक्सी क्लोराइड, हाँ उसका आप स्प्रे बस करते रहे। तो इसकी क्या कैसे कैसे थोड़ा करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसे ये हमने देखो, जैसे हमने ये खाद घेर दिया, ये खाद घेर के इसे जो है हाथ से उसे सही कर दो, जिससे पानी की हमें दिक्कत ना आवे, और ड्रिप जो है वे ऊपर कर दो इसमें। तो ये जो है हमारा ये हो गया हमारा तैयार। अच्छा, ये इसकी जड़ है, ये जड़ है इसकी, ये इसी की, ये ऊपर ही रहती है इसकी जड़। हाँ, ये जड़ देखो ऊपर की हमने खाद से जो करी। हाँ, तो इसको यहीं दबा करके ऊपर से खाद डाल दो। हाँ, तो इससे क्या होगा, इसको जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट ऊपर से ही मिल जाएगा, बस ये चलती रहेंगी। तो ये हमारा ये तैयार हो गया इस टाइम। अच्छा, ये सड़ा हुआ खाद है, इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या मिलाया अभी? इसमें हमने ट्राइकोडर्मा मिलाया था, अच्छा, और मुर्गी की बीट है, और गोबर का खाद है सड़ा हुआ। अच्छा, मुर्गी की बीट है और गोबर का खाद है, हाँ, और ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा चीज़ मिला करके इसमें लगाई हुई है। हाँ, तो ये जैसे सर्दी शुरू होती है नवंबर या अक्टूबर के आसपास, ये तभी लगाना है, क्योंकि सर्दी में बताते हैं कि ज़्यादा अगर सर्दी पड़ेगी तो प्लांट स्लीपिंग मोड पर चला जाता है, ये सो जाता है, फिर ये न्यूट्रिशन नहीं लेगा। तो एक बार सर्दी शुरू होने से पहले खाद लगा दे इसमें एक बार। ये नवंबर में जो है ना, नवंबर में भी पूरी ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो लगभग दिसंबर में जाकर ये स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, मोड में, और फिर वो फरवरी के आसपास, फिर फरवरी के आसपास होगा। तो फरवरी के आसपास फिर एक बार दोबारा लगा दो, दोबारा लगा दो एक बार ठंडी ठंड में, गर्मी में जब ज़्यादा गर्मी पड़े, जब गोबर खाद मत घेरो या कोई भी। तो जैसे मैं कुछ प्लांट देख रहा हूँ उसमें क्या है, फंगस लगी हुई दिख रही है। हाँ, तो इस फंगस का जैसे पूरी पत्ती है, मेरे हिसाब से शायद पूरी पत्ती खराब हो गई है इसकी, खराब और भी आगे ले जाएगी और भी खराब कर देगी, इसलिए इसे जो है पत्ती को आप काट दो।
अच्छा, इसको पूरी जड़ से ही काट दो। जड़ से काट दो जिससे आगे हमारा जो है ये फंगस ना चले। इसको काट करके खेत से बाहर फेंक दो खेत से। तो ये जो मैं देख रहा हूँ ये मिट्टी से जो चढ़ाई हुई है इसका क्या बेनिफिट है, किस चीज़ से चढ़ाई है ये? हाँ देखो, जो मिट्टी हमने ट्रैक्टर से चढ़वाई, ट्रैक्टर आया था, तो इससे मिट्टी चढ़ाने में एक तो इसकी जड़ जो ग्रोथ कर रही, जो चल रही है, जो साइड में निकल रही है, साइड में निकल रही, उन पर मिट्टी आ जाएगी। अच्छा, सबसे जो मेन कारण है तो वो मिट्टी का है, मिट्टी आ गया वो जड़ जो है ऊपर नहीं आने की। अब सर्दियों में जितनी भी ना खुराक है वो जड़ों से वो मिलो जाएगी, और बरसात में जो बरसात से मिट्टी जो कटेगी बारिश से वो हमें इतनी नहीं कटने की जितनी, मतलब अगर ना चढ़ावे तो वो नीचे चली जाए, वो जड़ ऊपर दिखने लगेंगे, ज़्यादा जड़ ऊपर दिखने लगेगी, पेड़ हमारा ग्रोथ नहीं करे। ये है मिट्टी चढ़ाने का। तो इसका तो ये मिट्टी अभी ऐसी रहेगी या इसको बराबर मिला? नहीं, मिट्टी इसकी जो है ये हम इसका लेवल कर देंगे ऐसे। अच्छा, हाँ, जिससे पानी भी इसमें ना भरे। तो किसान भाई, जैसा आपको बताया कि जैसे सर्दियाँ अगर शुरू होती हैं, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ड्रैगन फ्रूट में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट या चिकन मैन्योर या आपका गोबर की खाद जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाएं, उसमें ट्राइकोडर्मा ज़रूर मिलाएं, जिससे आपका फंगस कंट्रोल होगा। और प्लांट पे नज़र रखते रहें, अपने देखते रहें कि जहाँ भी आपको रेड डॉट दिखाई दे या हल्का सा पीलापन दिखाई दे तो आप फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करें उसमें, क्योंकि मेन बीमारी इसमें फंगस की लगती है। और सर्दियों में जैसे ही सर्दी बढ़ती जाएगी ये फंगस आपका बढ़ता जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।